वेलकम बैक जनता टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहां पर मैं आपके साथ देश और दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट खबरों पर बातचीत करता हूं। और फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं, YouTube ने बाय चांस आपको वीडियो रेकमेंड कर दिया और आपने क्लिक भी कर दिया थंबनेल देख के, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जस्ट इन केस आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर देना। और मैं आपसे बातचीत करता हूं खबरों पर, ऐसा मैं हमेशा कहता हूं। बातचीत करता हूं मतलब मैं खबर आपको न्यूज इस तरीके से देता हूं या अपडेट आपको इस तरीके से देता हूं जैसे मैं अपने किसी दोस्त को बता रहा हूँ इन जनरल। तो आप मुझसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, उसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में जाके किसी भी मुद्दे पर जो आपको अच्छा लगे उस पर आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप उस पर बातचीत कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं या आपको कैसा लगा, ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे तो सही में ये बातचीत जो मैं बोलता हूँ वो सही में एस्टेब्लिश हो पाएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप उसका चीत में रिप्लाई दे रहे हैं। तो आज आपसे सबसे पहले बातचीत करते हैं मुंबई के काफी करप्ट पुलिस ऑफिसर सचिन बाजे के बारे में। इन्होंने कल एक और नया बॉम्ब फोड़ दिया है और ये बॉम्ब एक लेटर के रूप में फोड़ा है। उन्होंने खुद अपने हाथ से 4 पेज का लेटर लिखा है और उसको NIA के स्पेशल कोर्ट को सबमिट किया है, जहां पर उन्होंने काफी बड़े खुलासे किए हैं, काफी बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से शिवसेना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने उनको कई बार लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए कहा। सबसे पहले उन्होंने बताया उनको कि एक ट्रस्ट है जिसके खिलाफ एक केस चल रहा है। उन्होंने कहा सचिन बाजे से कि जाके उनसे कहो कि अगर उस ट्रस्ट को अपने ऊपर चल रहे केस को वापस लेना है तो 50 करोड़ रुपए दे के सेटलमेंट कर ले। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि BMC में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसमें से अगर किसी ने कभी कुछ फ्रॉडुलेंट काम किए, गलत काम किए हैं, तो कम से कम 50 BMC के कॉन्ट्रैक्टर्स से 2-2 करोड़ रुपए एक एक आदमी से वसूलो और मुझे दो। लेटर में ये भी लिखा है कि अनिल देशमुख ने सचिन बाजे से 2 करोड़ रुपए मांगे थे जब महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने उनको पुलिस में वापस रीइंस्टेट करने के लिए मना कर दिया था। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, उन्होंने डायरेक्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनिल पवार के करीबी ने सचिन बाजे से कहा था कि हर महीने जो लोग इलीगली गुटखा बेचते हैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में उनसे 100 करोड़ रुपए वसूलने, टोटल हर महीने 100 करोड़ रुपए गुटखा बेचने वाले से। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी बताया कि एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने उनसे कहा था कि मुंबई में 1650 बार्स और रेस्टोरेंट्स है, तो हर बार और रेस्टोरेंट से हर महीने कम से कम 3-3.5 लाख रुपए वसूले। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब ने कम्प्लीटली कह दिया है कि नहीं, ये तो एलिगेशंस बिल्कुल बेसलेस है, बिल्कुल भी बेबुनियादी है, मैं बिल्कुल भी रिजाइन नहीं करने वाला। ये रिजाइन नहीं करने वाला एटीट्यूड एक्स होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का भी था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ आपको पता ही है। यहां तक कि उनके मामले में चीफ मिनिस्टर ने भी कहा था कि उनको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पुलिस वाले अगर एलिगेशंस लगाते रहेंगे तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा, तो सरकार कौन चलाएगा। अरे सर, आपके पास तो 3 इंजन वाली सरकार है, कांग्रेस, NCP और शिवसेना। कोई भी मंत्री चला लेगा सरकार, थोड़ा सा जो मिनिस्टर्स हैं करप्ट होते जा रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। वैसे तो मिनिस्टर्स हर सरकार में करप्ट होते हैं, लेकिन आपके मिनिस्टर्स काफी ज्यादा वोकल हैं, पुलिस वाले खुला इल्जाम लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा ये तो NIA ही डिसाइड कर सकते। अगली अपडेट सेबी की तरफ से निकल के आ रही है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरे स्टॉक मार्केट को ये संभालते हैं, बड़े बड़े लोगों से डील करते हैं। इन्होंने एक फैसला सुनाया जिसमें अंबानी ब्रदर्स को फाइन भरने के लिए कह दिया। अंबानी ब्रदर्स इंडिया के, एशिया के, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल ब्रदर्स नहीं है, सिर्फ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बैंकरप्ट है। हालांकि उनके लिए 25 करोड़ रुपए कोई खास बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, सेबी ने इन दोनों भाइयों को 25 करोड़ रुपए फाइन भरने के लिए कहा है। सन 2000 में एक इक्विटी फंड को लेके, इक्विटी शेयर को लेके कुछ इरेगुलरिटीज की गई थी, जिसके ऊपर अब फैसला निकल के आया है और 25 करोड़ रुपए
भरने के लिए कह गए 25 करोड़ रुपए, कोई खास बड़ी अमाउंट नहीं है, इतने का तो मुकेश अंबानी का मोटा वाला लड़का पिज्जा खा जाता होगा। दीदी पर पड़ा उन्हीं का बयान काफी ज्यादा भारी। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में कई बार लोगों से कुछ भी उल्टा सीधा कहती रहती हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार उनके घर पे सीधे नोटिस भेज दिया है, ये पूछते हुए कि 3 अप्रैल को जो उन्होंने रैली कंडक्ट की थी उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटर्स किसी और पार्टी को वोट ना करें। तो ऐसे कम्युनल स्टेटमेंट का कहना क्यों जरूरी था? सेक्शन 123 के अंदर उनको नोटिस भेजा गया है और 48 घंटे के अंदर दीदी से जवाब मांगा। उत्तराखंड के एक मंदिर में एक आदमी को मॉब लिंच किया गया। जी हाँ, मंदिर के अंदर मॉब लिंचिंग की गई। एक आदमी मंदिर के अंदर जाता है, किसी ने कह दिया कि उसने शराब पी रखी है। मंदिर के अंदर ऑलरेडी एक पूजा चल रही थी जिसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसको मारना शुरू किया और इतना ज्यादा मारा, उसके बाद उसको मंदिर से बाहर घसीट के ले जाकर एक आदमी ने फेंक दिया। उसके बाद वो आदमी वहां से उठ के भागे जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद ही वो रास्ते पर गिर गया। 2 घंटे तक वहीं पड़ा रहा। लोगों ने देखा कि अब ये हिलना डुलना बंद कर दिया इसने, तब एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस आई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी जान चली गई। उसकी बीवी ने बताया कि उसका आदमी काम करने घर से बाहर गया था, उसी बीच मंदिर चला गया और लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि चोट लगने की वजह से उसकी जान गई है और पोस्टमार्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये निकल के आया कि उसने शराब नहीं पी रखी थी, जिसके बाद उसकी बीवी ने अड़ोस पड़ोस में लगे मंदिर के सारे दुकानों से सीसीटीवी फुटेजेस निकाले, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई और पुलिस ने मारने वालों के ऊपर मर्डर का केस रजिस्टर किया। कोविड के बारे में मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। पूरे देश में अब तक का सबसे ज्यादा मौत रजिस्टर किया गया। कल के दिन में 685 लोगों की जान गई सिर्फ एक दिन में कोरोना की वजह से। और अगर केसेस की बात करें तो पूरे भारत देश में 1,25,000 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। अब पूरे भारत देश में 9,00,000 एक्टिव केसेस मौजूद है। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 60,000 नए केसेस सिर्फ एक दिन में कल रजिस्टर किए गए। मतलब पूरे देश में जितने केसेस हैं उसके लगभग आधे केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से निकल के आ रहे। बस 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए ही अच्छी खबर आनी बाकी थी, वो भी आ गई है। आप सबको पता चल ही गया होगा, स्टूडेंट्स को सबसे पहले पता चल जाता है 9वीं और 11वीं के बच्चों की एग्जाम्स नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। बिना एग्जाम कंडक्ट किए उन्हें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा पर बच्चों से बातचीत की, जहां पर उन्होंने कई अच्छी बातें कही। कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को एग्जाम्स को लेके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स हो ही नहीं रहे। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बच्चों ने भले ही 1 साल अपना कोरोना की वजह से खो दिया, लेकिन बच्चों ने ये सीखा है कि उनकी जिंदगी में और कौन सी चीजें ऐसी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से हटकर आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में ज्यादा मायने रखती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी चीजें की जो पढ़ाई से हटकर है इस पूरे लॉकडाउन के बीच में, और उनको ये बात पता चली कि वो पढ़ाई से हटकर, पढ़ाई से आगे बढ़कर और कौन सी चीजें कर सकते हैं, किस चीज में वो एक्सीलेंस ला सकते हैं। भिवंडी में एक टेक्सटाइल फर्म के मालिक ने लाइट चोरी की, गलत तरीके से अपनी कंपनी में लाइट लाया जिसकी कीमत 85 लाख रुपीस थी, जिसके बाद उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया और कोर्ट ने उस आदमी को 2 साल की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट की जेल की सजा सुनाई। और सुनिए, 3 करोड़ रुपया फाइन भरने के लिए भी कहा और कहा कि अगर वो आदमी 3 करोड़ रुपया फाइन नहीं भर पाता है तो उसे जेल में 1 साल और एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे। रमजान काफी ज्यादा नजदीक है और इस बात को लेके कई सारे कम्युनिटी लीडर्स ने मिलकर स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जहां पर सारे लोग मिलकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं उस जगह पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कोविड के सारे नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। इस बातचीत को लेके पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे से कई लीडर्स ने मुलाकात भी की और इस बार उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए एक साथ रमजान के परमिशन सरकार से मांगी है। बदलापुर में रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर जिनकी उम्र 39 साल थी, नाम सुनील शिंदे, इनको लेह में पोस्टिंग की गई थी। 3 महीने से वो मिसिंग थे लेह में पोस्टिंग के बाद। अभी
तीन दिन पहले उनकी बॉडी बर्फ में दबी हुई मिली, जिनके बाद उनकी बॉडी को तिरंगे में लपेट कर उनके घर पहुंचाया गया। लोगों को पहले से पता चल गया था कि उनकी बॉडी लाई जाएगी। लोगों ने उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा की उनको आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। उनके परिवार में उनकी एक बेटी है, बीवी है और एक बेटा है। बेटी 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और बेटा 9th स्टैंडर्ड में, और बूढ़े माँ बाप भी है। इस जवान ने अपने देश के लिए लेह में सिक्योरिटी देते देते अपनी जान कुर्बान कर दी। कल मैंने आपको एक स्ट्रेंज खबर सुनाई थी, जहां पर लूडो का गेम हार जाने की वजह से एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली। उसी तरीके से एक और आज एक स्ट्रेंज खबर निकल के आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर 25 साल की महिला ने अपनी 3 साल की छोटी बच्ची की जान ले ली। क्यों ले ली मैं आपको रीजन बताता हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था रिमोट को लेके कि कौन सा चैनल देखा जाएगा, जिसकी बाद उस 3 साल की बच्ची ने अपने पापा का साइड ले लिया कि जो पापा देखेंगे वही मैं भी देखूंगी। और उस वजह से उस माँ ने उस बच्ची को अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ले जाकर उसकी जान ले ली। ये पूरा मामला तब पता चला जब लोगों ने नोटिस किया कि बिल्डिंग के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने उस माँ को अरेस्ट कर लिया है और मर्डर के चार्जेस लगा दिए। अगली खबर बंगाल से निकल के आ रही है, जहां पर बंगाल से टीएमसी के सपोर्टर जिनकी उम्र 36 साल है और नाम शेख अख्तर अली, इनको बीजेपी के सपोर्टर्स ने मारा। क्यों मारा मैं वजह आपको बता दूं। ये शेख अख्तर अली अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बीजेपी के सपोर्टर्स ने उनको रोका और एक लोकल क्लब तक घसीट के लेके गए, जहां पर उनसे कहा कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ। और उस सपोर्टर ने, टीएमसी के सपोर्टर ने, जय श्री राम के नारे लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद लोहे के रॉड से और बम्बू से उस आदमी को बहुत मारा गया बीजेपी के सपोर्टर्स के द्वारा, जिसके बाद उसको वहीं पर वैसे छोड़ के चले गए। लोकल्स ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, हॉस्पिटल से उसको आईसीयू में एडमिट किया गया, जिसके बाद अब टीएमसी के सपोर्टर्स पुलिस के स्टेशन के बाहर खड़े हैं और बीजेपी के उन सपोर्टर्स को अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद बीजेपी के एक सपोर्टर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी न्यूज अपडेट्स पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे कल मैं फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।